भोंगा हटाने की मुहिम चली है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भोंगे आज के नहीं हैं, बहुत वर्षों से हैं। और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी तब भी भोंगे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि रात को 10 बजे के बाद और सूर्योदय तक कोई भोंगा नहीं बज सकता है, मानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए सभी राज्य सरकार बाध्य है। मैं अपने मेरे लंबे समय के साथी ऐसे भाजपा के बंधुओं को विनंती करूंगा कि आपकी जब सरकार थी तब तो आपने भोंगे नहीं हटाए, अब भोंगो हटाने का समर्थन करते हो, अच्छी बात है। तब अच्छा काम नहीं किया, अब अच्छा काम करने की इच्छा हुई, वह भी अच्छी बात है। पर तो सभी भाजपा के बंधुओं को कहूँगा कि सबसे पहले देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वह राज्यों में विनंती करके भोंगे आप हटवा दीजिए। महाराष्ट्र में आंदोलन चालू रखिए, परंतु मध्य प्रदेश में भोंगा नहीं हटेगा। और महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे, गुजरात में भोंगे नहीं हटेंगे और महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे, भोंगे माने लाउड स्पीकर देश के लोगों के लिए, यह तो उचित नहीं है। दूसरा मैं सुझाव दूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो केंद्र सरकार को प्रत्येक DM, कलेक्टर और SP को भोंगा हटाने का आदेश देने का अधिकार है। तो मेरे साथी, और मैं नाम नहीं दूंगा, पर आजकल हिंदुत्व का थोड़ा मुझसे भी ज़्यादा कूदकर बात करते हैं, तो मुझे आनंद आया कि पहले मैं अकेला करता था, अब सब करने लगे हैं। तो आप केंद्र सरकार से 48 घंटे में लाउडस्पीकर हटाने का आदेश DM, कलेक्टर, SP को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिलवा दीजिए, तो भंगों का प्रश्न पूरा हो जाएगा। भाजपा की सरकार है तब लाउडस्पीकर हटाने की बात नहीं करेंगे, और दूसरों की सरकार है तब करेंगे। ये बुरा लगता है, किसी भी सरकार में करेंगे। समय अखंड भारत के लिए पहले नहीं आया था, आगे आ सकता है। तो अखंड भारत का डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का सपना आप पूरा करवाइए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को आदेश दीजिए, और नहीं देते हैं तो आप स्वयं नेतृत्व करके कश्मीर घाटी के गांव में रहने के लिए चले जाइए एक रात, और POK में शाखा लगाने के लिए चले जाइए। मैं दोनों में आप कहोगे तो आपके साथ रहूँगा। बस मेरी बात पूरी हो। हमने अभी 2 मांगे की है। हमने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार में 1 करोड़ सरकारी जगह खाली है, वह सरकार तत्काल भरे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। उनमें सभी राज्य सरकार, फिर शिवसेना की राज्य सरकार, कांग्रेस की भी है, और MP गुजरात में भाजपा की, देशभर में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार, उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट मिलकर 1 करोड़ जगह खाली है। तो देश में 10 करोड़ बेरोजगार में से 1 करोड़ को रोजगार तुरंत मिल जाए। जगह खाली है, उसका की जगह है, सैलरी देने के पैसे है और काम है, तीनों। तो जगह क्यों नहीं भरते हो भाई? और सैलरी आपको आपके जेब से नहीं देनी है, प्रजा के टैक्स से देनी है। और सरकार ने यह नहीं किया तो प्रवीण तोगड़िया 10 करोड़ बेरोजगारों को लेकर निकलने वाला है। हमारी दूसरी मांग है कि सरकार ने ई श्रम कार्ड बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। अभी मैं मध्य प्रदेश में था तो जो बैठे थे पूछे कितने लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया, तो 80% ने बनवाया था। तो जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवाया है उनके बैंक अकाउंट में सरकार हर वर्ष 6,000 रुपया जमा करवाए। ये दोनों गरीबी दूर करने के हमारा सुझाव है। और तीसरा,
सेकंड वीक मई में मैं हिंदू रोजगार योजना अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा शुरू कर रहा हूँ, जिसमें प्रथम चरण में 10,000 लोगों को रोजगार देंगे, जीरो बजट, उनको एक भी रुपया लगाना नहीं, एक भी रुपया का रुस्क नहीं है। नागपुर में भी आज शाम से मीटिंग शुरू हो रही है, उसमें जिनको रोजगार चाहिए उनसे फॉर्म भरवाने का काम होने वाला है। बस मैंने तीन बातें की आपको, डॉक्टर साहब एक बार बताएंगे दूसरी वाली जो की थी, ई श्रम कार्ड वाली। हाँ, देश में क्या आज से 10 वर्ष पहले लाउडस्पीकर फिकर भोंगा हटाने की मांग इसी महाराष्ट्र में हमने करवाई थी, और पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में यह मांग हमारे द्वारा चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि पूरे देश में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाए, और कान के डॉक्टरों का थोड़ा बिजनेस कम हो, क्योंकि लाउडस्पीकर के कारण फिर सुनना कम होगा जाता, तो कान के डॉक्टर पर जाना पड़ेगा। दूसरा मुझे बताना है कि हमारे सम्माननीय मोहन जी भागवत ने कहा कि 15 वर्ष में अखंड भारत हो जाएगा। मैं मोहन जी के ये वक्तव्य का स्वागत और समर्थन दोनों करता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मोहन जी अपने ही जीवन में अखंड भारत बनता हुआ देखेंगे, पर मोहन जी को मैं याद दिलाता हूँ कि सत्ता में नहीं है तब वचन देना होता है, सत्ता में है तब करके दिखाना होता है। तो मोहन जी, अब वचन देने का आपका अधिकार पूरा हो गया है, क्योंकि आपके स्वयंसेवकों की सरकार और जिनके पास 15 लाख की सेना है, अब करके दिखाने का समय आया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपका स्वागत समर्थन करते हुए 7 वर्षों से कश्मीर के हिंदुओं को नहीं बसाया है, 1 महीने में कश्मीर के हिंदुओं को बसाए, और मोहन जी भागवत स्वयं कश्मीर घाटी के गांव में कश्मीरी हिंदुओं के साथ 1 रात रहे, यह अखंड भारत का पहला कदम होगा। दूसरा कदम, POK पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करो, और मोहन जी वहां जाकर संघ की शाखा लगाओ। प्रवीण तोगड़िया इस शाखा में नमस्ते सदा वत्सल करने के लिए आएगा, मैं स्वयंसेवक के नाते आप सरसंघ चालक हूं, पर POK में संघ की शाखा लगाओ, मोहन जी सरसंघ चालक सलामी प्रणाम ले, और प्रवीण तोगड़िया खड़ा होकर प्रणाम करे, ये POK में करवाओ। दूसरा चरण है, यह 6 महीने में पूरा करो। भारत की 15 लाख की सेना है, रशिया यूक्रेन में घुस सकता है, तो POK तो हमारे बाप का है, घुसो। और तीसरे चरण में पाकिस्तान पर हमला करो, और मोहन जी उस समय टैंक पर बैठकर आप जाओ, आपके टैंक जहां से गुजरती हो उनको सफाई करने का काम प्रवीण तोगड़िया आपके पीछे करेगा। तो मेरा मानना है, देश में केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड मजदूरों के बनवाए हैं, मैंने कहा ये अच्छा काम है, मैं स्वागत करता हूँ। मैंने मांग की है कि जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल केंद्र सरकार डिपॉजिट करवाए। ये बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई गरीबी में लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में शोभा यात्रा पे जो खतरा हुआ उसके बारे, गुजरात में 7 जगह हुआ, हर जगह हो रहा, मध्य प्रदेश में खरगोन में हुआ, दिल्ली में हुआ, यह बात दो बताती है कि क्या इंटेलिजेंस को पता नहीं था, क्या खरगोन में इंटेलिजेंस को पता नहीं था, गुजरात के हिम्मतनगर में पता नहीं था। तो एक उनको इंटेलिजेंस फेल्योर कहूँगा। दूसरा, जिहादियों की हिम्मत बढ़ गई है वह कहूँगा। हिम्मत क्यों बढ़ी है, रोग है कैंसर और दवाई दे रहे हैं मलेरिया की, रोग है जिहादी इस्लामिक आतंकवाद, उनकी दवाई है पुलिस की गोलियां जिहादियों की छाती में दागना, और सरकार उनको नौकरियां दे रही जैसे पहले बिरयानी देते थे।
इसलिए जिहादियों की हिम्मत बढ़ गई है, और दूसरा लग रहा है कि चुनाव आ रहे हैं अलग 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 जगह पर, तो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के फसल के दाम, महंगाई, उन पर से ध्यान हटाने के लिए तो नहीं हो रहा है। ये चिंता हिंदुओं की रक्षा करने वाले और बेरोजगारी के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले मेरे लिए भी चिंताजनक। चिंताजनक इसलिए है, दंगे होंगे तो मुसलमान भी मरेगा, हिंदू भी मरेगा। गुजरात के खंभात में एक हिंदू मारा गया, तो दंगे होंगे तो हिंदू मरेगा। जेल में कौन जाएगा? हिंदू जाएगा। दिल्ली में भी कल हिंदू लड़के को पकड़ा है, और वोट तो दूसरों को मिलेगा। तो यह हिंदुओं को गोली मरवा कर जेल में भेज कर जीतने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? यह गंभीर चिंता ध्यान में आ रही है। देश के सभी, अभी ही दंगे क्यों शुरू हुए भाई? और गुजरात में 7 जगह जहां